हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज है अपना 75 हार्ड का दूसरा दिन। 75 दिन में 75 बार करेंगे इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट की बात। आज के अपने प्रोडक्ट का नेम है मेजरिंग बिकर, जो 500 ml कैपेसिटी में हमारे पास अवेलेबल है। इस प्रोडक्ट का यूज़ मोस्टली लैब में किया जाता है लिक्विड प्रोडक्ट की मेजरमेंट के लिए। वैसे तो ये प्रोडक्ट हमारे पास 25 ml से लेके 1000 ml तक बनता है, बट आज हम बात करेंगे 500 ml बिकर की। तो अब चलते हैं कंपनी के इंजेक्शन मोल्डिंग सेक्शन में। यह है मशीन का लोडर, जिसकी हेल्प से हम मटेरियल को होपर में डाल देते हैं। इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए हम पीपी रैंडम मटेरियल का यूज़ करते हैं, जिससे कि प्रोडक्ट के अंदर बहुत अच्छी ट्रांसपेरेंसी आ जाती है। वैसे तो हर एक प्लास्टिक प्रोडक्ट को बनाने का प्रोसेस सेम ही होता है। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, मटेरियल हीटअप करने के बाद मटेरियल को मोल्ड में इंजेक्ट कर दिया जाता है और आफ्टर मोल्ड ओपनिंग प्रोडक्ट को बाहर निकाल लेते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, प्रोडक्ट में काफ़ी अच्छी शाइनिंग एंड ट्रांसपेरेंसी आ गई है। ये क्वालिटी ओनली पीपी रैंडम मटेरियल में ही आ पाती है। हर एक शॉट लगने के बाद प्रोडक्ट के साथ कुछ वेस्टेज आती है, जिसको हम दोबारा से रीयूज़ कर लेते हैं क्रश करने के बाद। और इसको हम 30-70 की रेशो पर यूज़ करते हैं, जैसे कि 30% हमारी वेस्टेज रहती है और 70% फ्रेश मटेरियल। तो फाइनली हमारा प्रोडक्ट रेडी हो गया है पैकिंग होने के लिए। इस प्रोडक्ट को हम इंडिविजुअल पैक करते हैं, ताकि किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर स्क्रैच ना हो। आफ्टर मटेरियल पैकेजिंग हमारा मटेरियल रेडी हो जाता है डिस्पैच होने के लिए। तो गाइज, ये था अपना डे 2, जिसमें हमने देखा 500 ml बिकर का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो कल मिलते हैं न्यू प्रोडक्ट के साथ। फ्लेक्सपेक्स अ ब्रांड विद डिफरेंट विजन।